हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैलियो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एयर स्प्रिंग के टाइप्स, लोड टाइप्स, एयर स्प्रिंग का डायग्राम, इन सब के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। एयर स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो इस बात को हम समझते हैं। व्हाई एयर स्प्रिंग, जो हमारी ऑल कॉइल बोगी थी उसमें बोलेस्टर के नीचे स्प्रिंग यूज की जाती है। अब अगर स्प्रिंग पे, इस स्प्रिंग पे मैं 20 केजी का लोड अप्लाइड करता हूं, मान लिया ये जो स्प्रिंग है हमारी 20 केजी के लिए बनाई गई है कि इस पर मैक्सिमम जो लोड है वो 20 केजी तक का इसमें हो सकता है। अब तब तो ये वर्किंग में कंडीशन होगी, लेकिन अगर मैं इसी स्प्रिंग पे 20 केजी की जगह 40 केजी का लोड रख दूं, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये स्प्रिंग हमारी परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी। लोड रिमूव, 40 केजी की का लोड जब हमने इस पे रखा तो ये दबेगी, दबने से इसका आकार ऐसा होगा, और अब अगर मैं लोड को हटा भी लूंगा तो ये स्प्रिंग इस तरह से रह जाएगी। यानी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस स्प्रिंग की कुछ हमारी टेंस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा का हमने इसमें लोड रख दिया, जिससे इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। अब इस स्प्रिंग की हाइट क्या होगी, जो नॉर्मल हाइट थी उस लेवल तक नहीं जाएगी, और स्प्रिंग हो सकता हमारी क्रैक भी हो जाए। तो इस वजह से ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा लोड रख दिया। अब बहुत ज्यादा लोड कब होगा, आप देखते होंगे मुंबई जैसे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। इन सिटीज में क्या होगा कि पैसेंजर जो होते हैं वो कोच में सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा एंटर हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। पता चले एक पर स्क्वायर मीटर में 12% से ज्यादा खड़े हुए हैं या 16% से ज्यादा खड़े हुए हैं, तो इस तरह से लोड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जब लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अगर स्प्रिंग यूज होती तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाती। तो इसीलिए इस तरह के कोचेज में, इस तरह के एरियाज में जहां पर लोड बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, वहां पर हम एयर स्प्रिंग का यूज करते हैं, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर, आप इसको इस तरह से देखिए, ये मैंने एक रबड़ की एक वेलो बना दिया, ये इसके अंदर इसमें इनबिल्ट हमारी इमरजेंसी स्प्रिंग है, इसमें मैंने हवा डाली, तो जब इसमें हवा एंटर होगी तो क्या होगी, ये फूलेगी, हवा से फूलेगी। अब क्या कंसेप्ट यूज किया गया है एयर स्प्रिंग के लिए, जैसे ही लोड ज्यादा होता है उस दौरान इसमें हवा ज्यादा एंटर हो जाती है, तो क्या होगा कि जो दबाव का दबाव पड़ा उसने इसको खत्म कर दिया, तो जिसकी कांस्टेंट हाइट मिल गई। तो हमें इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिल गया, कांस्टेंट हाइट का। अब हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि एयर स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो वाई एयर स्प्रिंग हो गया। अब लोड टाइप समझ लेते हैं, लोड की कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है डेंस क्रश लोड, जिसे DCL बोलते हैं। डेंस क्रश लोड कब बोला जाएगा, तो इसके लिए जो हमारी सीटिंग कैपेसिटी है प्लस 20% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी एज स्टैंडिंग, यानी जितनी उसमें सीटिंग कैपेसिटी है उसका 200% ज्यादा लोग खड़े हों, इस तरह की अगर लोडिंग कंडीशन बनती है तो वो हमारा DCL डेंस क्रश लोड कहलाएगा। नंबर दो, प्रैक्टिकल डेंस क्रश लोड क्या होगा, सीटेड कैपेसिटी प्लस 12%
पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर जगह में अगर 12 लोग खड़े हुए हैं और जो सीटिंग कैपेसिटी है वो, इस तरह की अगर सिचुएशन बनती है तो उसे हम प्रैक्टिकल डेंस क्रश लोड बोलेंगे। नंबर तीसरा जो होगा हमारा वो जाएगा सुपर डेंस, सुपर डेंस क्रश लोड। उस कंडीशन, ऐसी कंडीशन कब होगी, 12 की जगह अगर 16% हो जाए, सीटिंग कैपेसिटी प्लस स्टैंडिंग लोड एट द रेट 16% पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में अगर 16 लोग खड़े हुए हैं और जो सीटिंग कैपेसिटी है वो पूरी कंप्लीट है, तो इस तरह की लोडिंग कंडीशन सुपर डेंस क्रश लोड कहलाएगी। अब क्या होता है अगर इस तरह की कंडीशन होगी ड्यू टू सुपर डेंस क्रश लोड, बोलस्टर स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ और फिएट बोगी बिकम्स सॉलिड, विच कॉज डैमेज ब्रेक्स द कॉइल स्प्रिंग। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि स्प्रिंग हमारी परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो स्प्रिंगों में हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए हमने एयर स्प्रिंग की जगह पे, जो हमारी कॉइल स्प्रिंग थी उसकी जगह पे हमने एयर स्प्रिंग का यूज किया। ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एयर स्प्रिंग। तो टाइप ऑफ एयर स्प्रिंग किस आधार पर होंगे, तो हम फोर टाइप्स हैं। नंबर वन में हो जाएगा 180 किलो न्यूटन की जो हमारी एयर स्प्रिंग है वो कहां पर यूज होगी, फॉर ईएमयू, डीएमयू, मेमो, मोटर कोच, इन सब के मोटर कोच में हमारी 180 किलो न्यूटन की एयर स्प्रिंग यूज होगी। 150 किलो न्यूटन की एयर स्प्रिंग कब यूज होगी, तो ये हो जाएगी ईएमयू, डीएमयू, इनके सबके ट्रेलर कोच में। ये दूसरा हो गया। नंबर तीसरा जो हो जाएगा हमारा 140 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगी हमारी मेन लाइन की, जो मेन लाइन राजधानी, डबल डेकर, इन सभी में हमारी 140 किलो न्यूटन की एयर स्प्रिंग यूज की जाती है। नंबर फोर्थ जो है वो हमारा 130 किलो न्यूटन एंड 120 किलो न्यूटन, जो 130 की जो हमारी यूज की जाती है वो हाइब्रिड कोच के लिए है। हाइब्रिड कोच से क्या मतलब है, बोगी तो हमारी फिएट बोगी होगी और जो कोच होगा वो हमारा दूसरे टाइप का होगा, थोड़ा सा आईसीएफ से डिफरेंट थोड़ा सा। और फॉर 120 की जो यूज होगी वो एलएचबी फिएट बोगी के साथ होगी। तो ये हमारी चार प्रकार की एयर स्प्रिंग है, ये दोनों एक साथ ही बोली जाती है, इसलिए हम इनको फोर टाइप्स की एयर स्प्रिंग बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एयर स्प्रिंग का एक डायग्राम है, लाइन डायग्राम जिसे हम बोलते हैं। यहां पर आप दो पाइप देख पा रहे होंगे, एक पाइप ये है जो ब्रेक पाइप हो गया हमारा, दूसरा पाइप ये है, ये हमारा फीड पाइप हो गया। तो किस तरह से कनेक्शन लिया गया, जो फीड पाइप है, फीड पाइप से ही एयर स्प्रिंग के मेन रिजर्वायर को फिल किया जाता है। तो फीड पाइप से एक हमारी कोच में कोच आइसोलेटिंग कॉक लगी हुई है हमारी, ये आइसोलेटिंग कॉक हो गई, एक फिल्टर हो गया, एक हमारा एनआरबी हो गया। ये तीन चीजें, आइसोलेटिंग कॉक, फिल्टर और एनआरबी, ये हो गई। उसके बाद ये हमारा 150 लीटर मेन रिजर्वायर हो गया, किसके लिए, एयर स्प्रिंग के लिए। एयर स्प्रिंग कहाँ है, 150 लीटर मेन रिजर्वायर से हमारा
एक आइसोलेटिंग कॉक ये लगी हुई है, बोगी आइसोलेटिंग कॉक बोलते हैं, और एक आइसोलेटिंग कॉक ये लगी हुई है। यहां से आइसोलेटिंग कॉक से एक ये हमारा एलवी लेवलिंग वॉल्व है, लेवलिंग वॉल्व ये उसका इंस्टॉलेशन लीवर हो गया, से होते हुए एएस एयर स्प्रिंग, ये हमारी एयर स्प्रिंग है, और एआर इस एयर स्प्रिंग का रिजर्वायर जिसकी कैपेसिटी अलग अलग प्रकार से अलग अलग होती है, यहां पर 40 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो एक एयर स्प्रिंग यहां पर हो जाएगी, ये बोगी वन का अरेंजमेंट है, और ये जो बोगी है ये बोगी दो का अरेंजमेंट है। तो एक बोगी में दो हमारी एयर स्प्रिंग लगी होती है। ये डीसीबी क्या है, डबल चेक बॉल, ये हमारा डबल चेक बॉल दोनों एयर स्प्रिंग के बीच में लगाया जाता है। ये फीवा हो गया, और यहां पे फीवा के इंडिकेटर हो गए। फीवा में कनेक्शन एक ब्रेक पाइप से हमारा आइसोलेटिंग कॉक के थ्रू एक फीवा में कनेक्शन आता है। तो आप कनेक्शन आप इसमें समझ लीजिए किस तरह से है। सबसे पहले तो फीड पाइप से एयर स्प्रिंग में आइसोलेटिंग कॉक फिल्टर एनआरबी के थ्रू मेन रिजर्वायर में हमारा प्रेशर आएगा। इस मेन रिजर्वायर से प्रेशर जो होगा वो आइसोलेटिंग कॉक के थ्रू ये हमारी इस तरह वाली बोगी, लेफ्ट साइड राइट साइड वाली बोगी और लेफ्ट साइड बोगी, आइसोलेटिंग कॉक से लेवलिंग वॉल्व, लेवलिंग वॉल्व इंस्टॉलेशन लीवर हो गया, लेवलिंग वॉल्व से प्रेशर जाते हुए एयर स्प्रिंग में प्रेशर जाएगा, एयर स्प्रिंग का ये रिजर्वायर हो गया, एयर स्प्रिंग इस वाली एयर स्प्रिंग में प्रेशर आ गया। यहां पर भी देखिए आप एक रिजर्वायर एआर लगा हुआ है इस वाली एयर स्प्रिंग के लिए, बीच में एक डबल चेक वाल्व लगा हुआ है। डबल चेक वाल्व का काम क्या होगा, इस लेवलिंग वाल्व का काम क्या होगा, एआर का वर्क क्या है, और ये फीवा किस तरह से वर्क करते हैं, इनको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है। आप लाइन डायग्राम आप देख लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।